हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स के इंग्लिश का सैम्पल पेपर, जो कि फाइनल टर्म के लिए है। तो आइए पेपर देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो 80 मार्क्स का पेपर आएगा, टाइमिंग जो है वो 3 घंटे की दी जाएगी, ठीक है। जो सेक्शन ए है उसमें आपको सबसे पहले पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने हैं। हु वर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है वो कौन है, गोलू और मोलू, ठीक है, दोनों ही फ्रेंड्स हैं, तो बोथ ए एंड बी। अगला है वेयर डिड दे लिव, वो कहाँ रहते थे, दे लिव्ड इन राजनगर कॉलोनी, ठीक है, तो वो राजनगर कॉलोनी में रहते थे। अगला है हु डिड वर्क इन टाइम, टाइम पे कौन काम किया करता था, गोलू वर्कड हार्ड एंड डिड हिज वर्क इन टाइम, तो गोलू जो है वो टाइम पे काम किया करता था। Who came late in the evenings? Evening में late कौन आता था? Monu loved to play and watch TV. Monu को TV जो है वो देखना अच्छा लगता था, खेलना अच्छा लगता था। He never came back in time in the evening. तो शाम में वो time पर नहीं आता था, यानी कि मोलू, ठीक है। What good habits Monu had? Monu के पास कौन सी अच्छी आदत थी? Monu had one good habit. He helped others. He shared his snacks with his friend. ठीक है, तो sharing और helping जो है उसका nature था, जो कि अच्छा था। अगला जो आपको एक क्वेश्चन, जो मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, वो पोस्टर बेस पर होगा, ठीक है, या पिक्चर हो सकती है, तो उससे रिलेटेड जो है वो आपको जो है वो क्वेश्चन, मतलब उसको पढ़ के, पिक्चर को पढ़ के अपने आंसर जो है वो करना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, तो इसका पर्पस क्या है, रोड सेफ्टी। तो यहाँ पर जो है जब उसमें हम देख रहे हैं तो क्या बोला, टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम यूजिंग मोटर व्हीकल, से रोकने के लिए भी नहीं है, ट्रैफिक रूल्स की अवेयरनेस फैलाने के लिए, या फिर लोगों को सड़कों पर चलने से रोकने के लिए, टू सिक्योर पीपल ऑफ रोड एक्सीडेंट, लोगों को रोड एक्सीडेंट से बचाव के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो रोड एक्सीडेंट से बचाव के लिए है। अगला है फ्रॉम विच थिंग्स वी शुड क्रॉस द रोड, तो रोड जो है वो हमें कहाँ पर क्रॉस करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पर, ठीक है, तो जेब्रा क्रॉसिंग पर। इसके बाद है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका वी शुड नॉट जंप डैश लाइट, हमें कौन सी लाइट जो है वो जंप नहीं करना चाहिए, तो हमें जो है वो रेड लाइट को जंप नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है रोड एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय, रोड एक्सीडेंट को आप कैसे जो है वो कम कर सकते हो, कैसे बचा सकते हो, ड्राइविंग विद इन अ स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट का ध्यान रखते हुए, नॉट ड्राइविंग बाय ड्रिंकिंग, जब ड्रिंक की हुई हो तो ड्राइव नहीं करेंगे, ट्रैफिक रूल को फॉलो करेंगे, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला है बाय ड्राइविंग द कार विच थिंग कैन बी हेल्पफुल फॉर सेविंग आवर लाइफ, तो जब आप कार को ड्राइव कर रहे हो तो क्या चीज है वो हेल्पफुल हो सकता है, स्कार्फ, कैप, हेलमेट या सीट बेल्ट, तो कार में सीट बेल्ट जो है वो मतलब कि हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, इसमें आपको जो है वो कॉन्वर्सेशन दिया गया है, कॉन्वर्सेशन को पढ़ के इसके आंसर जो है वो करने हैं। हाउ इज अनिल फीलिंग ड्यूरिंग वेकेशन, तो वेकेशन पे अनिल जो है वो कैसा जो है वो फील कर रहा है, अनिल कहता है आई एम क्वाइट बोर्ड, तो वो बोर्ड फील कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज निमी वांट टू, हुम डज निमी वांट टू आस्क अबाउट डांस क्लासेस, तो निमी जो है वो डांस क्लासेस के लिए किससे जो है वो पूछना चाह रही है, तो निमी कह रही है आई विल आस्क माय पेरेंट्स, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट्स से, हर पेरेंट्स। विच डांस सेंटर डू अनिल एंड निमी विश टू ज्वाइन, अनिल और निमी कौन सा जो है वो मतलब की सेंटर जो है वो डांस सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, बॉलीवुड डांस सेंटर, ठीक है। अगला हैज अनिल फिनिश्ड हिज हॉलीडे होमवर्क, तो अनिल जो है वो कह रहा है आई हैव फिनिश माय वर्क, तो उसने जो है वो कर लिया है। निमी इज प्लानिंग टू फिनिश हर वर्क इन, तो निमी जो है वो क्या प्लान कर रही है कि वो एक या दो दिन में जो है वो खत्म कर लेगी, इन अ डे और टू। अगला जो है वो सेक्शन बी लिटरेचर पार्ट है, 25 मार्क्स का है, ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। व्हाई डिड द बॉय वांट अ बोट, तो लड़के को बोट क्यों चाहिए था। द लिटिल बॉय वांटेड अ बोट सो दैट इट कैन सेल हिम टू अ डिफरेंट सिटी, अलग अलग शहरों में जो है वो सेल करके जा सके। व्हाट डिड ही डू विद द पीकॉक फैदर, तो उसने पीकॉक फैदर के साथ क्या किया। द क्रो स्टक द पीकॉक फैदर इन टू हिज विंग हिज टेल एंड ऑन हिज हेड, तो उसने जो मोर के पंख है उसे अपने जो है विंग्स पर लगा लिया, अपने पंखों पर लगा लिया, अपनी पूंछ पर लगा लिया और अपने सिर पर भी लगा लिया। हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीडेड इन अ कबड्डी टीम, कबड्डी टीम में कितने प्लेयर्स की जरूरत होती है, 7 प्लेयर्स। Why was Kabuliwala arrested? Kabuliwala जो है उसको क्यों अरेस्ट जो है वो कर लिया गया था? Because he had stabbed a man. उसने एक आदमी को चाकू मार दिया था। अगला क्वेश्चन है What problem did one of the pots have? एक पॉट के साथ जो है वो क्या प्रॉब्लम था कि वो क्रैक्ड था, ठीक है, टूटा हुआ था। Give the meaning of any 3 words in पंजाबी। नेक्स्ट जो है पंजाबी में आपने किसी 3 शब्दों के जो है वो मीनिंग बताने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है।
व्हाट वॉज क्लोज टू द लेक, लेक के मतलब कि पास में ही जो है वो क्या था, रैबिट का कॉलोनी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वॉज काबुली वालाज नेम, तो काबुली वाले का जो है वो नाम क्या था, रहमान। द वॉटर बियरर है डैश परफेक्ट पॉट, उसके पास कितने परफेक्ट पॉट थे, ठीक है, तो उसके पास से वन परफेक्ट पॉट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने जो है वो जो आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके जो है वो सेंटेंस बनाने हैं, किसी तीन के बनाने हैं, कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत करना। आई वॉज लिसनिंग टू द एयर फनी कॉन्वर्सेशन, मैं उनकी मजाकिया बातों को सुनता रहा। प्ले खेलना, आई लव टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है। एनवेलप, पेन दिस एनवेलप, देयर इज अ लेटर इन इट, ओपन होगा यहाँ पर, ठीक है। ओपन दिस एनवेलप, इस लिफाफे को खोलो, इसके अंदर लेटर है। सेरेमनी मतलब कि रीति रिवाज कह सकते हो। इट वॉज अ ब्यूटिफुल वेडिंग सेरेमनी, तो बहुत ही सुंदर वेडिंग सेरेमनी थी। एनेक्जियस मतलब चिंतित होना। अदिति वॉज क्वाइट एनेक्जियस अबाउट हर हेल्थ, वो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है, ठीक है। अगला है, इसको अरेंज करना है आपने, दो नंबर का है ये क्वेश्चन। इज अ गुड शी डांसर, तो ये क्या बन जाएगा, शी इज अ गुड डांसर। अच्छा सिंगर है ये, शी इज अ गुड सिंगर, ठीक है। अगला है कॉफी और टी, लाइक यू डू, तो डू यू लाइक टी और कॉफी, ठीक है, इसका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, रीड द स्टेंजा ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। स्टेंजा को जो है वो ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। व्हाट डिड द पोएट ब्रिंग होम, तो पोएट जो है वो अपने साथ क्या लेकर आया था, तो पोएट जो है वो एक पपी लेकर आया था, ठीक है। व्हाट डज द पपी निबल एट, तो पपी जो है वो किन चीजों को कुतर रहा था। द पपी निबल एट व्हाट एवर ही फाइंड्स इन द हाउस, तो उसको घर में जो भी चीजें मिल रही थी सबको ही कुतर रहा था। व्हाई डज द पपी ग्राउल, तो पपी जो है वो क्यों घूर रहा था। द पपी ग्राउल टू से नो टू गो, क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज द पपी क्विक ऑन हिज फीट, तो पपी जो है वो अपने फीट पर क्विक कब हो जाता है, मतलब जल्दी जल्दी कब जो है वो जाता है, जब आप उसे ट्रीट दो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, दो दो नंबर के क्वेश्चन है। व्हाट डिड द पोएट राइट ऑन द एनवेलप, तो पोएट ने एनवेलप यानी लिफाफे के ऊपर क्या लिखा था, तो उसने डेट और एड्रेस लिखा था, ठीक है। व्हाई डिड द पोएट से दैट द रेन इज ब्यूटीफुल, तो पोएट क्यों कहता है कि बारिश जो है वो सुंदर है। द रेन क्रिएटेड अ लवली साइट, बिकॉज जो बारिश होती है वो बहुत ही अच्छा दृश्य बना देती है, उसे सुंदर बना देती है। ब्यूटिफुल टू वॉच एंड हियर टू इट्स फ्लो एंड साउंड, देखने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी उसकी आवाज जो है वो सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। व्हाट डज द पोएट सी इन द मिरर, तो मिरर में जो है पोएट ने क्या देखा। शी सीज हरसेल्फ, उसने खुद को जैसे कि अपने इंडेक्स फिंगर जो है वो दिखाकर जो है वो खुद से कह रही हो कि जैसे उसके जैसा जो है वो कोई नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच आर द प्लेसेस वेयर द रेन फॉल्स, तो कहाँ कहाँ पर जो है वो बारिश जो है वो गिरती है, बारिश की बूंदी गिरती है, सड़कों पर, ठीक है, लेन में, रूफ पर, विंडो पेन यानी कि खिड़कियों के शीशे पर। अगला जो है वो सेक्शन सी ग्रामर ट्रांसलेशन कंपोजिशन का है, 35 मार्क्स का है ये। सबसे पहले वोकैबुलरी जो है वो 6 मार्क्स की आपसे पूछी गई है। जेंडर जो है वो लायन का जो है वो बदलना है, तो लायन का हो जाता है लाइनेस, ठीक है, और ही जो है वो शी में बदल जाएगा। अपोजिट वर्ड जो है वो हैप्पी का पूछा है, तो हैप्पी का अपोजिट जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर हैप्पी का सैड हो जाएगा और न्यू का जो है वो क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, ठीक है। यूज अ सुटेबल वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो इसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा कि काफी सारे लोग जो है वो इकट्ठे होकर खेल रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टीम, ठीक है। इसके बाद है आई वेंट टू सी, मैचिंग है आई वेंट टू सी माई मदर, मैं अपनी माँ को देखने गई क्योंकि वो बीमार थी, बिकॉज शी वॉज इल। अमृत लाइक्स कॉफी, अमृत को जो है वो कॉफी पसंद है लेकिन उसे चाय नहीं पसंद। रन फास्ट, तेज भागो वरना बस मिस कर दोगे। ही वर्कड हार्ड, वो काफी मेहनत करता रहा। इंटरेस्टेड फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर आराम किया, ठीक है। फिर जो है वो डू एज डायरेक्टेड है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसमें कंजक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है, तो कंजक्शन क्या होता है, जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एंड वर्ड जो है वो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो सुटेबल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है। देन यूज हुआ है, इसका मतलब जो है वो कंपैरेटिव डिग्री लगेगा यहाँ पर, तो बिग का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बिगर। माउंट एवरेस्ट इज, करेक्ट राइट आर्टिकल यूज करना है, तो माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक होगा, ठीक है, तो द जो है वो करेक्ट है। पुट फुल स्टॉप कैपिटल लेटर क्वेश्चन मार्क इन द सेंटेंस गिवन बिलो वेयर एवर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर बेसिकली पंचुएशन जो है वो यूज करना है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, माई नेम इज
अली नाम है, ए कैपिटल हो जाएगा ठीक है, एंड आई कैपिटल हो जाएगा, कम फ्रॉम, सी छोटा है बच्चों ये वाला, कम का सी छोटा है, कम फ्रॉम मलेरकोटला का एम बड़ा क्योंकि जगह का नाम है ठीक है, मलेरकोटला ठीक है। तो ये एम हो जाएगा, ये आई कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, यहाँ पर एम जो है वो कैपिटल हो जाएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, डैश बाइक इज दैट, तो हम पूछेंगे किसकी बाइक है ये, तो हम बोलेंगे हुज बाइक इज दैट। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, आर यूज हुआ है, आर काफी सारे लोगों के लिए यूज होता है, तो दीज जो है वो यहाँ पर आएगा, दीज आर लुकिंग नाइस। एडवर्ब जो है वो फाइंड आउट करना है, तो एडवर्ब जो है वो कैसे पहचाना जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एलवाई का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, तो लाउडली जो है वो यहाँ पर एडवर्ब है ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो फाइंड आउट करना है, एडजेक्टिव यानी विशेषता, तो लड़के की क्या विशेषता है कि वो लंबा है, टॉल जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एंड बट सो, एंड बट या सो का इस्तेमाल करना है आपने, टॉम शी केम टू माई हाउस, तो वो दोनों मेरे घर जो है वो आए, टॉम और लूसी दोनों मेरे घर आए। अगला है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है ठीक है, वी, तो वी के साथ जो है वो क्या लगेगा, डू लगता है हमेशा ठीक है, तो वी डू आवर ड्यूटी। चूज द करेक्ट वर्ड, आई हैव वन पेन ठीक है, मेरे पास एक पेन है। अगला जो है वो लेटर राइटिंग है, 4 मार्क्स का है, तो आपने जो है वो लेटर लिखना है प्रिंसिपल को फॉर द रिमिशन ऑफ फाइन, ताकि वो फाइन जो है वो माफ कर दे ठीक है। तो सबसे पहले द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम आ जाएगा, इन केस नहीं दिया हुआ आपको स्कूल का नाम तो आप एबीसी स्कूल लिख सकते हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है वो लिख दो ठीक। उसके बाद जगह का नाम ठीक है, और फिर सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से दैट आवर इंग्लिश टीचर गेव अस अ टेस्ट ऑन मंडे, कर देना इसे ठीक है, कि हमारे टीचर ने मंडे को के लिए जो है वो एक टेस्ट दिया था हमारे इंग्लिश टीचर ने, मेरी मदर जो है वो बीमार थी सो आई कुड नॉट कम टू स्कूल, और जिस वजह से मैं स्कूल जो है वो नहीं आ पाया, आई वॉज फाइन 10 रुपीज, मुझे जो है वो 10 रुपीज का फाइन लगा है, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ तो कृपया करके मेरा फाइन जो है वो माफ कर दिया जाए ठीक है। योर सोबिडेंट पे आपका आज्ञाकारी रमन कुमार, यहाँ पर जो है वो क्लास आ जाएगी, डेट डेट यहाँ पर भी डाल सकते हो और यहाँ पर भी मेंशन जो है वो कर सकते हो, किसी एक जगह पे करना है ठीक है। या तो अगला जो है वो लेटर अटेम्प्ट करो, अपने अंकल को जो है वो थैंक्स करना है क्योंकि उन्होंने आपको बर्थडे गिफ्ट भेजा। एग्जामिनेशन हॉल लुधियाना, यहाँ पर जो है वो आ गया डेट, फिर यहाँ पे अंकल का एड्रेस आएगा ठीक है, तो हमें नहीं पता कि कहाँ पर है, हम लिख देते हैं 123 एबीसी कॉलोनी ठीक है लुधियाना, यहाँ पे अंकल का एड्रेस जो है वो हम जलंधर कर देते हैं क्योंकि हम लेटर लिख रहे हैं ना, तो दूर होना चाहिए थोड़ा, तो जलंधर जो है वहां पे उनका एड्रेस है, तो यहाँ पर बच्चों बेसिकली एड्रेस आएगा ठीक है। उसके बाद माय डियर अंकल, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू रिमेम्बर मी ऑन माय बर्थडे, मेरे बर्थडे पे मुझे याद करना जो है वो मतलब कि आपका प्यार जो है बेसिकली दर्शा रहा है। यू हैव सेंट मी अ ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच एज अ बर्थडे गिफ्ट, आपने मुझे इतनी सुंदर सी कलाई घड़ी जो है वो भेजी है जो कि आपका प्यार मुझे दिखा रहा है। आई रिसीव्ड मेनी गिफ्ट दैट डे बट आई लाइक योर गिफ्ट द मोस्ट, मुझे तो उस दिन काफी सारे गिफ्ट मिले लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आपके द्वारा भेजी हुई घड़ी जो है वो आई है, सबने इसकी तारीफ की। द वॉच विल हेल्प मी अ लॉट, ये घड़ी मेरी बहुत तरीके से मदद करेगी, ये मेरी लाइफ को रेगुलर करेगी, आपको इस गिफ्ट के लिए थैंक यू। आई शैल कीप दिस वॉच विद ग्रेट केयर, मैं इस घड़ी का बहुत ध्यान रखूंगी, विद रिगार्ड्स योर लविंगली पूनम ठीक है। इसके बाद जो है वो पैराग्राफ लिखना है, किसी भी एक टॉपिक पर 5 नंबर का आएगा, या तो काउ पर लिख दो या फिर जो है माय स्कूल जो है उसके ऊपर लिख दो ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको जो है वो एक जो है वो यहाँ पर नोटिस जो है वो लिखना, मैसेज लिखना है बेसिकली, जिसमें कि आपको बताया गया है कि आप जो है वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं ठीक है, आपको एक स्टूडेंट के फादर का फोन आया है, उसका नाम जो है, स्टूडेंट का नाम अमरिंदर है, वो 6th क्लास में पढ़ता है, और मैसेज ये कन्वे करना है कि उसके ग्रैंड मदर जो है वो ठीक नहीं है और उसे घर जो है वो जल्दी पहुंचना है, तो मैसेज लिख दिया सबसे पहले ठीक है। उसके बाद जो है वो डेट डालोगे, टाइमिंग डालोगे, जिस स्टूडेंट के लिए लिखा है उसका नाम लिख दोगे, आई जस्ट रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम योर फादर, मुझे अभी तुम्हारे पिता का जो है वो फोन आया, एंड ही रिवील दैट योर ग्रैंड मदर इज नॉट वेल, और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी ग्रैंड मदर जो है वो ठीक नहीं है और तुम्हें जो है वो जल्दी से घर पहुंचना चाहिए, आई परमिट यू टू टेक हाफ डे लीव, मैं तुम्हें जो है वो परमिशन देती हूँ कि तुम हाफ डे लीव लेके चले जाओ, अपनी ग्रैंड मदर का ध्यान रखना, आई विश शी गेट्स वेल वेरी सून, और मैं जो है वो उम्मीद करती हूँ कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी प्रिंसिपल ठीक है। या तो ये अटेम्प्ट करोगे, या अगला जो क्वेश्चन है जिसमें कि आपको कॉन्वर्सेशन जो है वो दिया गया है उसको मैसेज में जो है वो कन्वर्ट करना है ठीक है, तो मैसेज जो है वो
जहाँ पे जो है वो डेट डालोगे, टाइमिंग डालोगे, जिसके लिए मैसेज है उसका नाम लिखोगे, नवनीत कॉल्ड टू टेल यू दैट योर कॉलेज ट्रिप हैज बीन पोस्टपोन। तो नवनीत ने जो है वो फोन किया था, तो नवनीत ने तुम्हें कॉल किया था कि कॉलेज ट्रिप जो है वो पोस्टपोन हो गया है एंड देयर विल बी रेगुलर क्लासेस टुमारो, और कल जो है वो रेगुलर क्लास जो है वो लगने वाली है, ठीक है, कॉलेज में। तो विनीता, ठीक है, जिसने मैसेज लिखा है उसका नाम। फिर जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इसको अपने पंजाबी या हिंदी इसमें ट्रांसलेट करना है, किसी भी तीन सेंटेंसेस को, ठीक है। और जो नेक्स्ट है उसमें आपको पंजाबी में सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको अपने इंग्लिश में जो है वो चेंज करना है। पेपर बहुत ही साफ सुथरा करना, क्योंकि अच्छी हैंडराइटिंग के 5 मार्क्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो हो जाती है खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।